गरा मोड़ा में बीबीएमबी का बिजली टावर हवा में झूल रहा है। खतरे की जद में आया ये टावर कभी भी धराशायी हो सकता है। हाल ये है कि टावर के नीचे की सारी जमीन भारी बारिश के कारण बह गई है। अब घुटने टेकने को तैयार ये टावर फिलहाल तारें व स्टे वायर के सहारे ही टिका हुआ है। टावर के हवा में झूलने की वजह फोर लेन कंपनी द्वारा गरा मोड़ा में किया गया पहाड़ी का कटान माना जा रहा है। कटान के बाद कंपनी ने इस टावर के लिए सुरक्षा दीवार ही नहीं लगाई है, जिस कारण अब तक बरसात के कारण उक्त स्थान पर एक तरफ की सारी मिट्टी बहकर नेशनल हाईवे पर गिर रही है। यही कारण है कि टावर की नींव भी खोखली हो गई है। रीह पंचायत के उप प्रधान मदन लाल शर्मा व गरामुड़ा के स्थानीय लोगों की सूचना के बाद एसडीएम स्वारघाट अनिल चौहान ने मौके का मुआयना किया। एसडीएम ने सुरक्षा के मद्देनजर टावर गिरने के डर से समीप की राजकीय प्राथमिक पाठशाला उच्च पाठशाला गरामुड़ा तथा एक आंगनवाड़ी केंद्र को वैकल्पिक तौर से बंद रखने के आदेश दिए हैं। उपमंडल प्रशासन की तरफ से बीबीएमबी नंगल के चीफ इंजीनियर व नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सलाहकार घटनास्थल पर तलब किए गए थे। बीबीएमबी की 220 किलोवाट की बिजली सप्लाई इसी टावर से होकर जाती है और पंजाब हरियाणा व राजस्थान के लिए आपूर्ति होती है। बीबीएमबी नंगल के चीफ इंजीनियर जेके गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि टावर को गिरने से बचाने के लिए स्टे वायर व तकनीक पर चर्चा की जा रही है। वहीं एसडीएम अनिल चौहान ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी व बीबीएमबी के अधिकारियों को मौके पर तलब किया गया है। जल्द ही टावर को स्टेबल करवा दिया जाएगा, पर जब तक यहां पर पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाता है तब तक तो खतरा मंडराता ही रहेगा। इंजीनियर्स हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंजीनियर्स हैं, उनको सूचना दी। मौके पर शाम को इंजीनियर्स यहां पर आए, यहां पर हमने मुआयना किया और पहले जो हमने स्पॉट इंस्पेक्शन है उससे लग रहा है कि ऐसा संभावना है कि अगर भारी बारिश होती है तो ये टावर गिर सकता है। इसके लिए तुरंत जो यहाँ आस पास के स्कूल उनका ही हमें आदेश कर दिया है कि जब तक बीबीएमबी या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंजीनियर्स इसमें किसी मेजर्स नहीं ले तब तक एक अल्टरनेट लोकेशन पर ये संस्थान चलाएगा। स्थानीय पंचायत को भी सूचित कर दिया गया, पुलिस को भी डायरेक्शन दे दिया गया और आज यहाँ पर जो है बीबीएमबी के हमारे चीफ इंजीनियर साथ हैं, उनकी पूरी इंजीनियर की टीम के डिजाइनर्स हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के टीम लीडर्स भी हैं। हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हैं उनको भी सूचित कर दिया है और अभी ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इमीडिएट मेजर्स के तौर पर कि इसको स्टेबल करने के लिए क्या किया जा सकता है अभी तुरंत प्रभाव से वो कार्य किया जा रहा है। ये 220 केवी की दो लाइनें हैं जो देहर के जो हमारे पावर प्लांट है उसकी पावर डुगोबल जाती है, वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। देहर के प्लांट्स की जो पावर अभी है, जो हमारे 400 केवी के दो लाइनें हैं, उधर से जा रही है, इसलिए हमें पावर इवैक्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है और बाकी भी हमारी स्टेट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। बीबीएमबी इसको इमीडिएट तौर पे इसको अटेंड करने की कोशिश करेगी फास्टनर लगा के, जिसके बारे में हम कल शाम तक डिजाइन के बारे में बता देंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।